क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन 8 रेशनल नंबर्स नोट करने हैं निकालने हैं बिटवीन -1/3 एंड 2/7 -1/3 के मिडिल का और 2/7 से लेस देन और -1/3 से ग्रेटर देन डिनोमिनेटर 3 एंड डिनोमिनेटर सेम डिनोमिनेटर अलग अलग हैं फर्स्ट नंबर -1/3 3 और 7 का एलसीएम नोट करेंगे सो 3 एंड 7 सो 3 वन सा 3 7 7 इज प्राइम नंबर सो 7 वन सा 7 सो 3 7 सा 21 सो एलसीएम 21 बट यहाँ डिनोमिनेटर 3 है और हमारा एलसीएम जो 21 आया है थ्री एंड सेवन इक्वल टू 21 सो 3 इज डिवाइड बाय 21 3 सेवन इज 21 आंसर इज 7 सो डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई 7 बाय 7 सो 7 वन सा 7 सो -7 3 सेवन इज 21 तो आंसर इज -7 बाय 21 नेक्स्ट डिजिट 2/7 डिनोमिनेटर इज 7 बट हमें चाहिए 21 सो 7 इज डिवाइड बाय 21 7 3 इज 21 तो आंसर इज 3 सो मल्टीप्लाई 3 बाय 3 2 3 इज 6 7 3 इज 21 सेम सेम डिनोमिनेटर -1/3 को लिख सकते -7/21 एंड 2/7 को 6/21 सो -7/21 एंड 6/21 डिनोमिनेटर सेम है दैट मीन्स -7 और 6 के बीच जो भी रेशनल नंबर थे वो नोट करने हैं सो 7 से पहले क्या था -6/21 -5/21 -4/21 -3/21 -2/21 -1/21 नेक्स्ट 1/21 2/21 टोटल हमें चाहिए 8 सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एक्सेट्रा क्वेश्चन नंबर बी 2/3 एंड 4/3 क्वेश्चन में फर्स्ट डिजिट है 2/3 और सेकंड डिजिट है 4/3 बट 2 एंड 3 में डिनोमिनेटर तो सेम है बट ऊपर की जो डिजिट है 2 और 4 में ओनली 1 का डिस्टेंस है सो ओनली 1 जो डिजिट आएगी इसलिए हम फर्स्ट क्या करेंगे इनका डबल कर देता तो 2 का डबल करेंगे तो 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8 3 2 ज़ा 6 ओनली 4 का डिस्टेंस है लेकिन हमें टोटल 8 का डिस्टेंस चाहिए इसलिए हमने फिर से इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई किया सो 4 2 ज़ा 8 6 2 ज़ा 12 8 2 ज़ा 16 एंड 6 2 ज़ा 12